क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों का सैलाब उमड़ आया है। बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं। होटल में ऑक्यूपेंसी 100% हो गई है। शिमला के रिज मैदान पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा मशोबरा नालदेहरा की तरफ भी काफी पर्यटक पहुंचे हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने बताया कि शिमला शहर के होटल पैक हैं, इससे कारोबारी भी खुश हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। शिमला में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने कहा कि 26 से 30 दिसंबर तक होटलों में 80% एडवांस बुकिंग है, जबकि 30 से 31 दिसंबर पूरी तरह से पैक है। उन्होंने कहा कि आपदा की वजह से पर्यटन कारोबार ठप था, लेकिन अब दोबारा पर्यटक हिमाचल का रुख करने लगे हैं और उम्मीद है कि विंटर सीजन में अच्छा कारोबार होगा। वहीं यदि नए साल पर बर्फबारी होती है तो ये सोने पर सुहागा होगा। देखिए जी, जैसे कि वीकेंड इस बार लंबा वीकेंड है, 23 तारीख सैटरडे से आज 24 संडे और कल मंडे 25 तारीख की छुट्टी है। ये तो पूरा वीकेंड पैक है। शिमला पूरा 100% ऑक्यूपेंसी पैक है। और अभी जो नेक्स्ट क्या नाम आपका, जैसे ट्यूसडे जो वीकेंड के बाद 25 के बाद 26 27 और 28 और 29 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी 70 से 80% बुकिंग जो है वो पैक है, फुल है। और 30-31 का जो सीजन है वो भी 100% ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम बाद टूरिस्ट हिमाचल की तरफ बुक किया है, शिमला की तरफ बुक किया है, क्योंकि शिमला में जैसे कि विंटर कार्निवल जो चल रहा है ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म को लुभाने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। और उसके लिए मैं हिमाचल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो एमसी शिमला, इसका भी धन्यवाद करूँगा कि इस तरह के इवेंट्स होते हैं हिमाचल के अंदर और शिमला के अंदर। तो जैसे विंटर कार्निवल पहले मनाली में होता था, अभी शिमला में भी शुरू किया है। 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक या 1 तारीख तक ये चलेगा, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और टूरिस्ट भी अच्छे से इसका एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि शिमला कितना खूबसूरत लगा, जिस तरह लाइटिंग शिमला के अंदर की गई है, ये भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट है, लोग आ रहे हैं। और अभी देखा गया कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो पहले एक दिन दो दिन के लिए आता था, अभी तीन चार दिन के लिए शिमला में रुकने के लिए आ रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड और लॉन्ग स्टे के लिए यहाँ पर शिमला रुक कर रहा है टूरिस्ट। और ये अच्छा साइन है मेरे लिए। और जिस तरह से कि मौसम अभी बना है, अगर स्नोफॉल हो जाए इसके बीच में तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर हमारा ये है कि 15 जनवरी तक अच्छा सीजन चल पड़ेगा। बता रहा हूँ 70-80% बुकिंग जो है हो चुकी है। आसपास शिमला सिटी की बात कर रहा हूँ, शिमला के आसपास जितने जैसे आप कुफरी फागू नालदेहरा ऐसे बात करें, अगर पूरी शिमला की बात की जाए 70% तक 60-70% बुकिंग होगी है। और ये 4-5 दिन में कई लोग विदाउट बुकिंग भी आते हैं, मैक्सिमम तो विदाउट बुकिंग ही आते हैं। कल भी ऐसा हुआ कि होटल पैक थे, उसके बाद भी काफ़ी लोग आए यहाँ पर। और शिमला के आसपास में जैसे 5-6 किलोमीटर सराउंडिंग में लोग, अब तो शिमला में कोई कमी नहीं है। आज से 5-7 साल पहले शिमला में सिर्फ 500 कुछ होटल होते थे, आज तो बहुत सारे होम स्टेज हो गए हैं शिमला के आसपास में, हजारों होम स्टे हैं। तो उन लोगों को रहने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है और रेट भी रिजनेबल्स है होम स्टे के अंदर। होटल्स के अंदर भी जो गवर्नमेंट के रेट है उसमें ही होटल वाले दे रहे हैं। फिर 31 में यहाँ पर कई होटल्स जैसे हमारे मरीना है, कम्बर मेयर है, आपकी बात करूँ विलोज बैंक है, या हॉलीडे होम है गवर्नमेंट HPTDC का, तो ऐसे कई होटल्स हैं जो क्या नाम अपना प्रोग्राम्स करवा रहे हैं 30 और 31 के बीच में, लाइव म्यूजिक और इस टाइप के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है और शिमला टूरिस्ट बुक कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो शहर से ज़्यादा, भीड़ भाड़ से ज़्यादा जो है शहर के बाहर रहना पसंद करते हैं, थोड़ा साइलेंट में और थोड़ा नेचर के बीच में रहना पसंद करते हैं। और ऐसे अब तो टूरिस्टों का जो मेंटली, जैसे टूरिस्ट की मैं बात करूँ, वहाँ से पहले टूरिस्ट होते तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, पर अभी कुछ टाइम से जैसे कोरोना के बाद हमने देखा है कि मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो शहर से बाहर और नेचर के बीच में रहना पसंद करता है।